एक पुरानी बंदिश है, इसको लाहौरी गत कहते हैं। पुराने ज़माने में उस्ताद सिद्धार्थ खान साहब दिल्ली के, जब तबला पहले पहले बना था, तो उनकी उनके मतलब पोते की शादी एक पंजाब के किसी बड़े उस्ताद के घर हुई। तो जब वो शादी करके बहू को लेकर आ रहे थे, तो फिर सिद्धार्थ खान साहब ने कहा कि भाई देखिए, आपकी लड़की ले जा रहे हैं लेकिन दहेज में कुछ नहीं मिला। तब वो उस्ताद पंजाब के अपने घर में अंदर गए और वहाँ से एक किताब लाए और कहा कि ये 500 गते हैं, ये मैं आपके लड़के को दहेज में दे रहा हूँ, ये आप ले जाएं। तो वो बंदिशें फिर दिल्ली आई, फिर दिल्ली से लखनऊ गई, लखनऊ से बनारस गई, तो अभी भी बनारस में ये बजाई जाती हैं और लाहौरी गत के नाम से याद की जाती हैं, क्योंकि वो उस्ताद लाहौर के थे। तो ये काफ़ी पुरानी, 300-400 साल पुरानी बात है। तो उस लाइन की एक बंदिश है, लेकिन हमारी कल्पना कुछ और, ये पखावज की बनी हुई है, पखावज और बजा करती थी। तो अब जैसे फौजें आपस में इकट्ठा होती हैं, तो इकट्ठा होने के बाद में एक यलगार होती है, अटैक होता है, तो वो अंग है गीत अंग, सात मात्रे का छंद चल रहा है। तो ये सात मात्रे का छंद है और ये अंदाज ऐसे ही है जैसे एक साथ कोई हमला करे। धाक धाक धरक 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 कांदा। चक्करदार